नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए आज बैंक निफ्टी में जैसा कि हमको देखने को मिला है, जो यहाँ पर आज एक लेवल ब्रेक हुआ है, जो लेवल ब्रेक हुआ है वो लेवल है 31,500 का। और लेवल ब्रेक होने के बाद जो आज हाई लगा है वो 31,763 का लगा है और जो आज लो लगा है वो 30,951 का लगा है। तो हमने यहाँ पर देखिए मॉर्निंग से हमने यहाँ पर जो है 800 पॉइंट्स की मूव देखी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए जो कल की मैंने आपको एनालिसिस की थी उस एनालिसिस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने उस एनालिसिस में आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ये जो 31,000 का जो लेवल है ये लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट का लेवल है। ये देखिए ये जो लाइन मैंने यहाँ पर खींच के रखी हुई है, चलिए मैं यहाँ से ड्रॉ भी कर देता हूँ। तो 31,000 का हमारा ये सपोर्ट लेवल है। और मैंने आपको ये बताया था, देखिए तीन सिनेरियो बताए थे मैंने आपको, एक फ्लैट ओपनिंग बताया था, एक गैप अप ओपनिंग बताया था और एक गैप डाउन ओपनिंग बताया था। तो मैंने यहां पर बताया था गैप डाउन ओपनिंग में आपको क्या करना है कि गैप डाउन ओपनिंग में अगर आपको मार्केट यहां पर 30,950 से लेकर 31,000 के लेवल के आसपास मिलती है तो ये क्लियर कट हमारा बाइंग जोन है, यहां से हमने सेलिंग के लिए देखना है। और मैंने आपको बताया था यहां पर 200 से 250 पॉइंट्स की यहां पर अपसाइड की मूव आ सकती है। सो फाइनली यहां पर देखिए हमको जो मूव यहां पर देखने को मिली है वो 800 पॉइंट्स की, हमने तो 200 250 पॉइंट्स एक्सपेक्ट किए थे बट यहां पर हमको जो मूव देखने को मिली वो 800 पॉइंट्स की हमको यहां पर मूव देखने को मिली है। सो उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोगों ने कल की वीडियो ध्यानपूर्वक देखी होगी, अच्छे से सुना होगा, लेवल ध्यान से सुने होंगे तो आप लोगों ने यहां पर बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। फाइनली देखिए और मैंने आपको क्या चीज बताई थी, मैंने बताया था कि ये हमारा सेलिंग जोन है जो है 31,500 का जो लेवल था। अब देखिए इस लेवल पे मैंने आपको क्या चीज बताया था, वीडियो में जाकर दोबारा देख लीजिएगा, मैंने इस वीडियो में आपको उसमें वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर इस 31,500 के आसपास जाकर हमको कोई बेयरिश साइन मिलता है, या वो डाटा एनालिसिस से हो या वो टेक्निकल एनालिसिस से हो या फिर वो कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से हो, तो यहां पर जाके 31,500 पे अगर हमको कोई बेयरिश साइन मिलता है तब हम वहां पर जो जाकर ये हमारा सेल जोन है, तब वहां पर हमारी सेलिंग एक्टिव होगी। ठीक है, देखिए किसी भी लेवल पे जाने के बाद सबसे पहले हमको वहां पर कंफर्मेशन की जरूरत होती है। सो कंफर्मेशन देखिए यहां पर जो कंफर्मेशन हमको यहां पर थी, जो सपोर्ट लेवल पे जो ओपनिंग हुई थी, तो यहां पर आप 15 मिनट की कैंडल में देखेंगे बहुत अच्छा हैमर कैंडल था। और यहां पर देखिए तब हमको रेजिस्टेंस पर हमको कोई देखिए कोई शूटिंग स्टार चाहिए, कोई डोजी चाहिए, कोई इस तरह कोई कंफर्मेशन चाहिए कि यहां से सेलिंग के लिए। बट यहां पर अगर आप कैंडल देखेंगे तो यहां पर पूरी हरी भरी कैंडल है, देखिए इसमें कोई विक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मतलब अगर जहां से बायर ने खरीदना शुरू किया वहां से कंटिन्यू ऊपर लेते चले गए और यहां पर सेलर ने यहां बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो फाइनली ये लेवल ब्रेक हुआ और इस लेवल को ब्रेक होने के बाद ये कॉल भी मैंने अपने स्टूडेंट्स लोगों को दी थी, इसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट बना। तो चलिए बात करते हैं कि मैंने सबसे पहले आपको जो मैंने कॉल दी थी आज टेलीग्राम चैनल में, देखिए पहली कॉल जो मैंने दी थी वो 31,100 की कॉल दी थी, वो आपको दी थी 281 पर और इसको हमने जो बुक किया वो 424 पर किया। तो पहले ट्रेड में जो हमने जो आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा वो 1:14 का, 1:14 मीन्स 14। देखिए ये 1:14 का प्रॉफिट जो है कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है 1:14। तो उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। इसके बाद मैंने आपको एक दूसरी कॉल दी थी 31,300 की कॉल बाय करने के लिए, इसमें मैंने आपको 270 पे भी कॉल बाय करने के लिए दी थी और इसमें स्टॉप लॉस सिर्फ 6 पॉइंट का था। और इस कॉल में भी हमको देखिए 325 के आसपास हमने बुक किया था और इस कॉल में भी आपको जो है 1:10 का प्रॉफिट यहां पर हुआ होगा। तीसरी कॉल देखिए मैंने आपको दी थी 31,300 की पुट दी थी, तो वो मैंने पहले जो है देखिए उसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट्स लोगों को कॉल देता हूं, उसके बाद फिर वहां से वो कॉल इधर मैं पोस्ट करता हूं। सो यहां पर जो है कॉल थोड़ी लेट हो गई पोस्ट करने में, सो यहां पर 240 पे इस पे भी जो है वहां पर हमारे स्टूडेंट्स ने 1:3 का रेशियो बुक किया था। उसके बाद मैंने आपको एक कॉल दी थी, याद होगा आपको, निफ्टी की मैंने पुट दी थी 14,100 की पुट दी थी 67 पर, जिसका एसएल मैंने 64 दिया था। तो इसमें भी हमारा 1:2 का जो है टारगेट अचीव हुआ था, 1:2 हमने यहां पर बुक किया था। 1:2 बुक करने के बाद फाइनली जो है वहां से निफ्टी फिर नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ देखिए अगर मैं कहता हूं आपको कि अगर किसी भी स्टॉक में आप काम करते हैं और वहां पर अगर आप स्टॉप लॉस छोटा रखते हैं तो छोटा स्टॉप लॉस से क्या होगा कि अगर आपको कंफर्मेशन है कि वो ट्रेड अच्छा चलेगा आप उसमें दोबारा एंट्री ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, उस स्टॉप लॉस के जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसलिए देखिए अगेन हमको एक और अपॉर्चुनिटी मिली और वहां पर हमने जो है अपने स्टूडेंट्स को जो है 64 पर वो कॉल दी थी और 61 का स्टॉप लॉस दिया था और उसमें हम लोगों ने 1:7 के आसपास वहां पर बुक किया था। सो देखिए अगर चीजों को आप ध्यान से
देख के करेंगे, समझ के करेंगे तो देखिए आपको यहां पर लॉस नहीं होगा। यहां पर देखिए ऑप्शन में आप बहुत आसानी से पैसे कमा सकते हैं, बहुत इजीली पैसे आप यहां से बना सकते हैं। आपको इसकी इंट्राडे की स्ट्रेटेजीज आनी चाहिए कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी किस टाइम हमको यूज करनी है, कौन सा टेक्निकल एनालिसिस हमको किस टाइम यूज करना है। मतलब आपको ये सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर ऑप्शन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके यहां पर पैसे बनते हैं और बड़े आसानी से बनते हैं। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अब हम कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कल के लिए हम किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान है। एक तो देखिए आज मैंने ट्रेडिंग नहीं की, क्यों ट्रेडिंग नहीं की, देखिए मेरा एक उसूल है कि जिस दिन मेरे को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए मैं उसके अगले दिन ट्रेड नहीं करता हूं। सो मुझे कल बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था, सो इसलिए आज मैंने होल्ड किया, आज मैंने ट्रेड नहीं किया। अगर मैं आज ट्रेड करता तो मे बी आज एक अच्छा और प्रॉफिट हो सकता था, बट जो है ग्रीड को एक तरफ रखकर हमको यहां पर काम करना होता है। अब इसको हम कल देखेंगे, कल हमको किस तरह से ट्रेड करना है, क्या यहां पर हमारा लॉजिक हो सकता है। अब देखिए यहां पर जो है 31,500 का लेवल ब्रेक हो चुका है और फाइनली क्लोजिंग जो आई है हमारी 31,700 के ऊपर आई है, 31,705 के आसपास आई है। अब देखिए यहां पर एक हमको अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती है, हमको यहां पर देखिए एक इस तरह से यहां पर रीटेस्ट का हमको वेट करना है। यहां पर रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट करने के लिए इस लेवल पर आता है 31,510 520 के आसपास, अगेन अगर हमको मिलता है तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की, ध्यान रखिएगा। एक यहां पर देखिए मैं आपको एक लॉजिक और यहां पर बता देता हूं, क्योंकि देखिए इसी के आसपास कहीं हमको ट्रेंड लाइन भी यहां पर मिलने वाला है। तो देखिए एक तो यहां पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो जाएगा और दूसरा यहां पर जो है इसके आसपास अगर आपको कहीं मिलता है ये लेवल होगा, देखिए 31,500 से लेकर 31,550 के बीच में कहीं भी मिलता है तो यहां पर मैं प्रॉपर बिल्कुल यहां पर बाय करने वाला हूं। सो ये मेरा कल का प्रॉपर बिल्कुल लॉजिक प्लान है और मैं जो करूंगा वो बिल्कुल क्लियर, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं। और ट्रेडर होते हैं छुपाते हैं, अपनी चीजें नहीं बताते हैं, बट मैं यहां पर सारी चीजें खोल के आपको बताता हूं। देखिए अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो मेरी जेब से नहीं कमाएंगे, वो मार्केट से कमाएंगे, मार्केट आपको प्रॉफिट देगा। आप प्रॉफिट कमाएंगे तो मुझको बहुत अच्छा लगता है कि अगर मेरे थ्रू कोई प्रॉफिट कमा रहा है, उसका घर चल रहा है या फिर कंटिन्यू प्रॉफिट कर रहा है, तो वो चीजें मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, मेरे दिल को सुकून देती है। सो आप भी प्रॉफिट बनाइए, मैं भी प्रॉफिट बनाता हूं यहां पर। तो देखिए हमारा यहां पर क्लियर कट प्लान जो है वो यही है कि अगर कल मान लीजिए मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है और गैप डाउन ओपनिंग में हमको यहां पर कहीं मिल जाता है 31,500 से 31,550 के आसपास, तो यहां पर मैं बाइंग करने वाला हूं। अब देखिए मैं यहां पर गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग की बात कर लेता हूं। देखिए गैप डाउन का मैंने बता दिया, गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग में आपको एक प्राइस एक्शन का वेट करना है, प्राइस एक्शन बनने के बाद आपको जिस तरफ ब्रेक करता है उस तरफ आपको जो है एंट्री लेनी है। अब मान लीजिए यहां पर क्या होता है मार्केट में, यहां पर देखिए मैं एक लॉजिकल चीज बताने जा रहा हूं। मान लीजिए यहां पर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद मे भी इस तरह से रेंज जो है बनाने के बाद फिर ये नीचे की तरफ यहां पर कहीं आ जाता है, इस सपोर्ट के आसपास आ जाता है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, इस सिचुएशन में यहां पर वेट करना है आपको किसी कैंडल कंफर्मेशन का, या फिर डाटा एनालिसिस से आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। सो यहां पर कंफर्मेशन का वेट करना है, कंफर्मेशन हमको कोई डोजी मिलती है, कोई हैमर इसके बाद यहां पर मिलता है, फिर हम यहां से बाइंग कर सकते हैं, ये बाइंग हमारे लिए बेस्ट बाइंग होगी। ठीक है, तो ये फ्लैट ओपनिंग की बात थी। अब हम यहां पर बात करेंगे गैप डाउन का, मैंने बता दिया गैप डाउन के सिनेरियो में अगर आपको ये लेवल मिलेगा तो आपको बाइंग करनी है। मतलब सिंपल और बिल्कुल आसान भाषा में आपको मैं बताऊं कि हमको 31,500 से 31,550 के आसपास हमको बाइंग करनी है, बस ये सिंपल और आसान भाषा मैंने अपनी सारी बात आपके सामने रख दी है। अब आपको देखना है कि आपको किस तरह ट्रेड करना है। बाकी आप अगर जो है मतलब चीजें मैं कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल में चीजें अपडेट करते रहता हूं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल में देखिए मैं कंटिन्यू इंट्राडे की कॉल्स वगैरह भी देता रहता हूं। आज भी मैंने 3 कॉल्स आप लोगों को दी थी और तीनों कॉल जो है बहुत अच्छी गई थी। एक ने तो 1:14 दिया प्रॉफिट, एक ने 1:10 दिया और एक ने 1:2 दिया। ठीक है, तो और मैं वहां पर चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, वीकेंड पर मैं पोजिशनल चार्ट भी आप लोगों को देता रहता हूं। सो चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के लिए काफी यूजफुल चैनल होगा। तो अब देखिए यहां पर गैप अप ओपनिंग में क्या करना है, गैप ओपनिंग मान लीजिए यहां पर 150 पॉइंट ऊपर यहां पर खुल जाता है तो वहां पर हमको एक प्राइस एक्शन का वेट करना है। प्राइस एक्शन जिस तरफ भी ब्रेक करेगा हमको उस तरफ हो लेना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर हम सेलिंग की तरफ जा रहे हैं मींस अगर हम पुट बाय कर रहे हैं तो हमको छोटे टारगेट के लिए जाना होगा, अगर हम बाइंग के लिए जा रहे हैं तो हम यहां पर अपने टारगेट बड़े रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने आपको एनालिसिस करके बताई है एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। अगर देखिए आपको एनालिसिस समझ में नहीं आती है, किसी तरह कोई डाउट लगता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज समझ में नहीं आई, कहां पे आप फंस रहे हैं, कहां पे आपको डाउट है, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में, अब चलते हम चर्चा करते हैं कि बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स हैं उनमें जो है किस तरह से मूव हो सकती है। तो देखिए आज जो यहां पर मूव हुई है वो एक्सिस बैंक और एक इंडसइंड बैंक, इन दोनों बैंकों ने काफी सहारा दिया बैंक निफ्टी को। सो बैंक निफ्टी के ऊपर जाने का कारण यही था।
तो फाइनली यहां पर देखिए, मैं जैसा आपको कंटिन्यू बताते आ रहा था 2 महीनों से कि ये जो रेंज है ऊपर की, ये 635 की रेंज, तो 635 की ऊपर हमको जैसे ही कैंडल क्लोज मिलेगी, चाहे वो 5 मिनट की हो चाहे 15 मिनट की, आप यहां पर इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर हम कल यहां पर एंट्री लेना चाहें तो यहां पर एक काफी बड़ी कैंडल बन चुकी है, सो यहां पर थोड़ा वेट करिए। अगर पोजिशन आप लेना चाहते हैं सो वेट करिए 640 के आसपास, यहां पर थोड़ा सा नीचे आता है फिर अगले दिन यहां पर एंट्री ले सकते हैं। अदरवाइज कल को अगर आज का हाई ब्रेक करता है, 670 का लेवल कल ब्रेक करता है, तो इंट्राडे में हम यहां पर 680 का लेवल कल देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक को फाइनली देखिए, ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक होने दीजिए। जब ये ट्रायंगल पैटर्न ब्रेक होगा, देखिए जैसा मैंने आपको यहां पर एक्सिस बैंक में दिखाया कि जब किसी भी लेवल का ब्रेकआउट होता है तो वहां से किस तरह से शूट अप होता है, किस तरह से वो पर्टिकुलर स्टॉक किस तरह से बहुत तेजी से निकलता है। सो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप जो है लेवल पे ट्रेड करिए, पैटर्न पे ट्रेड करिए, जो है आपको देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ट्रेड करना है। आप देखिए, दूसरी मैं चीज आपको बता दूं कि कभी भी आप ट्रेड करते हैं वहां पर अपने रिस्क को जरूर मैनेज करके रखिए। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां पर आपको कोई साइकोलॉजिकल नहीं चलेगा, कोई आपकी स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी, कोई कुछ नहीं चलेगा। सभी चीजें तभी काम करेंगी अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप पैसा कभी नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में नजर बनाकर रखिएगा। एचडीएफसी बैंक में मे बी यहां पर ब्रेकआउट हो सकता है। यहां पर 1450 की क्लोजिंग की हम यहां पर वेट कर रहे हैं। देखिए कंटिन्यू यहां पर 2 दिनों से जो कैंडल बन रही है वो कैंडल यहां पर हमको कुछ कहने की कोशिश कर रही है। सो यहां पर ध्यान रखिए, एचडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट हो सकता है। दोबारा सुन लीजिए, एचडीएफसी बैंक में ब्रेकआउट हो सकता है। सो यहां पर ध्यान रखिएगा, 1450 की क्लोजिंग के ऊपर मैं यहां पर पोजीशन जरूर बनाऊंगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक को अगर हम यहां पर देखें तो देखिए 4 दिन से कंटिन्यू सेम हाई के आसपास यहां पर ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, अगर हम यहां पर पिछली कैंडल को यहां पर देखेंगे, इस कैंडल को हम देखते हैं 31 दिसंबर की, तो जो इसका हाई लगा हुआ है वो हाई लगा हुआ है 538.50 रुपए, और जो अगले दिन का जो हाई लगा है वो 537 मीन्स 537, 38, 39, 40, मतलब इसी के आसपास कंटिन्यू जाकर यहां से जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब ध्यान रखिएगा, 540 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, यहां पर एक बहुत जबरदस्त मूव होने वाली है। 540 के ऊपर आप जो 540 के क्लोजिंग के ऊपर इंट्राडे में आप यहां पर बाइंग करना चाहें तो बाइंग कर सकते हैं। टारगेट यहां पर 550 का है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक ने फाइनली देखिए बहुत जबरदस्त यहां पर मूव दी है आज। तो हम यहां पर कह सकते हैं, देखिए जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये ट्रेंड लाइन के बाहर यहां पर क्लोज हो जाए, तो फाइनली अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन रेड कलर की और जो नीचे की, तो यहां पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था और फाइनली आज जो है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। अब हम यहां पर कल एक बहुत अच्छी मूव देख सकते हैं। 928 का लेवल क्रॉस करता है, तो 928 का लेवल यहां पर क्रॉस करेगा तो हम यहां पर हमारा जो टारगेट होगा यहां पर 950 का यहां पर टारगेट होगा। देखिए लेवल ध्यान से सुन लिया करिए, लेवल ध्यान से सुनेंगे तभी आप ट्रेड अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। तो कोटक बैंक भी देखिए इसी ट्रेंड लाइन के आसपास देखिए कंटिन्यू यहां पर ट्रेड कर रहा है। देखिए यहां पर पहली बार यहां पर आया, ठीक है ना, इस ट्रेंड लाइन के आसपास बाउंस बैक है। दूसरी बार देखिए यहां पर आया फिर बाउंस बैक हुआ, तीसरी बार यहां पर आया फिर बाउंस बैक हुआ, अब चौथी बार यहां पर फाइनली देखिए जो कैंडल यहां पर बनी हुई है, ये कैंडल देखिए एक हम कह सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की कैंडल है। इस कैंडल को हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। देखिए ये इतनी पतली है कि हमको दिखाई तक नहीं दे रही है, सो इसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब मे बी देखिए यहां से बाउंस बैक होने वाला है जहां तक मुझे लग रहा है। देखिए जो चीजें मैं बता रहा हूं आपको, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूं क्योंकि मेरे को 7-8 साल मार्केट में हो गए हैं ट्रेड करते हुए, सो इन सब चीजों से मैं गुजर चुका हूं। सो ये चीजें देखिए जो पहले हुई हैं या हिस्ट्री दोबारा रिपीट करती है शेयर मार्केट, इसमें और कुछ नहीं होता है। यहां पर जो पहले हो चुका होता है उसके बेस पे हम जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में इस तरह की चीज दोबारा हो सकती है। अब यहां पर देखिए 1965 का लेवल अगर निकालता है तो हम यहां पर बाइंग के लिए जाएंगे। यहां पर हमारा जो टारगेट होने वाला है 1985 और यहां पर 2000 का टारगेट इंट्राडे के लिए होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक ने देखिए जो हम बार बार यहां पर कल मैंने देखिए यहां पर बताया था 240 के ऊपर हम यहां पर एंट्री कर सकते हैं। टारगेट मैंने आपको जो है 245 का दिया था। फाइनली देखिए यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट भी ये देखिए बहुत जबरदस्त हुआ है। वॉल्यूम को भी अगर नीचे हम की तरफ हम देखें तो वॉल्यूम में भी एक जबरदस्त उछाल यहां पर आया है। अब यहां पर देखिए 250 के ऊपर तो इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। अब 250 के ऊपर हम यहां पर अगेन बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे में 251 के ऊपर निकलता है तो यहां पर टारगेट हमारा 255 और 257 होने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जैसे एक्सपेक्टेशन मैच की थी वैसे आज मूव हो नहीं पाया, बिकॉज देखिए 284 का लेवल निकल नहीं पाया। 284 का लेवल जैसे निकालेगा तो 290 का टारगेट यहां पर जो है मान के चलिए 287 और 290 285 यहां पर 284 का लेवल निकालेगा तो यहां पर 287 और 290 का जो है टारगेट यहां पर इंट्राडे के लिए है।
चलिए देखिए, चीजें जो मैं आप लोगों के यहाँ बताता हूँ, समझाता हूँ, अगर आपको समझ में आ रही हैं तो ठीक है, नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, वो चीजें देखिए मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, बैंक निफ्टी में कल ही मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि देखिए एक सपोर्ट लेवल है और जब भी हमको यहाँ पर मिलेगी बैंक निफ्टी, हम यहाँ पर क्लियर कट बाइंग करने वाले हैं। और देखिए क्या हुआ यहाँ पर फाइनली, देखिए यहाँ से, क्योंकि देखिए जो ये जो अगर हम चीजों को देखिए, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से चीजों को देखिएगा, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको चार्ट को थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाऊंगा। देखिए एक लेवल हमको यहां पर मिल चुका था, दूसरा लेवल मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पर दोबारा बैंक निफ्टी आती है तो यहां पर डबल बॉटम पैटर्न बनेगा। और डबल बॉटम पैटर्न क्या होता है? डबल बॉटम पैटर्न एक पैटर्न होता है जहां से अगेन बाउंस बैक होता है। अब यहां पर देखिए, अगर हम कंफर्मेशन की बात करें तो अगर हम इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो इस तरह से भी हमको एक दोबारा कंफर्मेशन मिल रही थी। सो देखिए, अगर मैंने यहां पर आज ट्रेडिंग की होती तो यहां पर मे भी एक अच्छे पैसे यहां पर बन सकते थे। सो चलिए, मैंने नहीं की, आप लोगों ने की बात की है, आप लोगों को जो मैंने तीन ट्रेड दिए, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस ट्रेड से बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे, क्योंकि 1:14, 1:10, 1:2 एक बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल को। जय हिंद, जय माता दी।